हार और जीत दोनों आपकी सोच पर आधारित है। अगर मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में। और आज हम कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन ऑफ राजस्थान सेट इंग्लिश 2023, जो कि 26 मार्च यानी कि कल हुआ था। और इसके क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे और इनके सभी क्वेश्चंस के हम आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी क्रिटिक्स ओपाइंड दैट अ पोइम इज लाइक अ पेंटिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। प्लेटो, सेनेका, होरेस और लंजाइनस, इनमें से होरेस जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनीज अपोलॉजीज ऑफ पोइट्री इज अ रिस्पॉन्स टू द स्कूल ऑफ अब्यूज रिटन बाय। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस थे एडमंड स्पेंसर, जॉर्ज पुटनहैम, स्टीफन गोसॉन या सैमुअल डैनियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था स्टीफन गोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमिनल वर्क ऑफ एमिली जोला कैन बी कंसीडर्ड मैनिफेस्ट ऑफ नेचुरलिज्म। तो ये सारे वर्क जो आपको दिखाई दे रहे हैं एमिली जोला के हैं, इनमें से जो बी ऑप्शन होगा दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ये भी बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो इसमें जो डी आंसर है, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी इज नॉट रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन जेकॉब्सन प्रपोज थ्री फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें जो ऑप्शन हमें दिए गए थे उनमें से ए ऑप्शन यानी रेफरेंशियल, इमोटिव और कनेक्टिव, ये जो रोमन जेकोबसन ने जो प्रपोज किए थे थ्री फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच डिफाइंस न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है और बी और डी ऑप्शन जो हैं वो मैच नहीं करते हैं। सी ऑप्शन, इट अटेंडेड प्राइमरली टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशंस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड सेट्स ओरिएंटलिज्म अप्लाइड रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टोरिक क्रिटिक ऑफ डिस्कोर्स बाय। तो मिशेल फूको जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिडा यूजेस द टर्म टू रेफर टू द अनरिजॉल्वेबल डिफिकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरी को थोड़ा सा भी पढ़ा है उसके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो अपोरिया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलिया क्रिस्टीवा कैन बी एसोसिएटेड विद द टर्म। तो इंटरटेक्चुअलिटी जो है वो जूलिया क्रिस्टीवा से एसोसिएट करती है। लिटरेरी फैक्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो उनमें ही आपको क्वेश्चंस मिल जाता है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म ग्रुप ऑफ सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। तो देखिए, इसका आंसर ओसिप ब्रिक होना चाहिए, बट ये जो सारे ही हैं ये सारे बंदे रशियन फॉर्मलिज्म ग्रुप से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें एलन शो वाल्टर, जूलियट मिचेल, जॉर्ज लूकस, इन सभी राइटर्स के बारे में और इनके जो इनके रिलेटिव रिलेटेड जो वर्क्स या इनके आइडियोलॉजी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बींग एंड टाइम 1927 हेडगर insisted that philosopher to date had still failed to answer the question of what is being. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये कि what is being जो आंसर है, क्वेश्चन है वो किसने रेज किया था। तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, न्यू लेफ्ट रिव्यू फाउंडेड इन 1960 वॉज फर्स्ट एडिटेड बाय। तो फर्स्ट जो है इसको स्टुअर्ट हॉल ने एडिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड सजेस्टेड दैट वी बियर अ फॉर्म ऑफ विद इन आवर सेल्फ, वी कैनॉट क्लेम फुली टू कॉम्प्रीहेंड अवर इवन अवर सेल्फ, वाई वी एक्ट एज वी डू, वाई वी मेक सर्टेन मॉरल एंड पॉलिटिकल डिसीजंस, वाई वी हार्बर गिवन रिलीजियस डिस्पोजिशंस एंड इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशंस। तो इसका आंसर जो है वो होगा बी, अदरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड डिसिसिव आंसर टू क्वेश्चंस ऑफ रिलेशनशिप एंड अदर एविडेंस आर वेग एंड एम्बिग्यूस। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकॉर्डिंग टू फ्रेडसन बावर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑल द डिस्कवरेबल फैक्ट्स रिलेटेड टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। तो परफेक्शन जो है दैट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल एंट्री।
तो देखिए बाकी सब चीज़ें, टाइटल ऑफ द वर्क, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन और एडिशन, ये चीज़ें मेंशन होती हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ टोटल पेजेस आर नॉट मेंशन्ड। नेक्स्ट है हाउ टू कैरी आउट रिसर्च। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब ऑब्वियसली रिसर्च मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू लिटरेरी रिसर्च ICT स्टैंड्स फॉर। ICT बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आसान था पेपर, जिसने थोड़ा सा भी लिटरेचर को अच्छे से पढ़ा है उसके लिए ईजी था, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड पेपर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुड बी कैपिटलाइज इनसाइड टाइटल्स। तो प्रोनाउंस जो है उनको कैपिटलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ MLA। तो MLA का मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, वैसे ये अमेरिका का है तो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका भी हो सकता है। अब हायर अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटिंग अनदर पर्सन्स आइडिया वर्ड और एंटायर वर्क एज योर ओन वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट इज नोन प्लेजरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट इमिटेटेड प्लेज बाय स्ट्रक्चरिंग द एक्शन इनटू 5 acts। अगर आपको पता होगा तो शेक्सपियर के लगभग जितने भी प्लेज हैं वो सारे 5 acts में डिवाइडेड हैं, तो ये चीज़ उन्होंने रोमन जो राइटर्स हैं वहाँ से ली थी। नेक्स्ट है रीड द लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द प्ले। व्हाट इज अ मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज ओन ऑफ हिज टाइम बट टू स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर। तो हेमलेट के एक्ट 5 सीन 5 से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबेल एंड मिलामेंट आर द करेक्टर्स फ्रॉम। तो विलियम कॉन्ग्रीव का जो वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड से ये करेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर वर्क्स। तो देखिए कॉलम ए और बी दोनों हैं, जॉर्ज पील, थॉमस किड, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो। बहुत ही आसान मैचिंग थी ये, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अ ट्रेजिक ड्रामा। तो ट्रेजिक ड्रामा हमें आइडेंटिफाई करना था, तो ऑल फॉर लव इज अ ट्रेजिक ड्रामा। नेक्स्ट है एल्फर्ड डूलिटल इज अ कैरेक्टर फ्रॉम GB शॉ के कौन से प्ले से ये कैरेक्टर है। तो पिग्मेलियन जो है उससे ये कैरेक्टर लिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा, एटलीस्ट समरी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ T.S. इलियट यूजेस स्पीच ऑफ द कोरस ऑफ द विमेन ऑफ कैंटरबरी। तो मर्डर इन कैथेड्रल से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन इंग्लिश प्ले हाली। तो GV देसानी इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज़ नॉट बीन रिटन बाय यूजीन ओनील। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, डिजायर द अंडर द आर्म्स और एल्म्स, हेरी एप और एम्परर जोन्स जो हैं वो तीनों यूजीन ओनील ने लिखे हैं। ऑल माई सन्स इज नॉट रिटन बाय यूजीन ओनील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एंग्री यंग मैन इन जॉन ऑसबर्न्स लुक बैक इन एंगर। तो जो मतलब लिटरेचर को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आसान क्वेश्चन था। किचन सिंक ड्रामा है ये, और जीवी पोर्टर जो है दैट इज एंग्री यंग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्राइडन्स एब्सलम एंड अशिटोफिल द बिब्लिकल किंग डेविड रिप्रेजेंट। तो चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम लैंग लैंड्स पोएम पियर्स प्लाउमैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये मिडल इंग्लिश की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नियो क्लासिकल पोइट्री। देखिए ऑब्जेक्टिविटी थी, इम्पर्सनैलिटी थी, रैशनैलिटी भी थी, बट इंडिविजुअलिटी नहीं थी। तो ओनली 3 इसका आंसर होगा। इन हूज पोइट्री थीम्स ऑफ मिस्टिसिज्म एंड मिथिकल विजन ऑफ हिस्ट्री वर कॉमन फीचर। तो इसके दो आंसर देखने को मिलते हैं, ST College और विलियम ब्लेक, बट मेरे हिसाब से विलियम ब्लेक विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलग्रिम इन द कैंटरबरी टेल्स गैदर एट टू गो टू द श्राइन ऑफ। बेसिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैंने जो कैंटरबरी टेल्स के वीडियो डाले हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं लिटरेचर से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा टबार्डिन थॉमस बैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैवेलियर पोइट्स। तो कैवेलियर पोइट्स के बारे में पूछा है, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक जो है ये कैवेलियर पोइट है, और हेनरी वॉन जो है वो कैवेलियर पोइट नहीं है। नेक्स्ट है हु अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन वॉज द फाउंडर ऑफ न्यू वर्सिफिकेशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, जॉन ड्राइडन इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाई द पोइट हु सेड ब्लिस वॉज इट इन द डॉन
टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन्स लिखी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फर्ड टेनिसन रोट अपॉन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड. तो आर्थर हेनरी हलाम जो थे वो इनके फ्रेंड थे, और इन्होंने 1833 में इनकी डेथ हो गई थी, और 1815 में जाके इन्होंने अपनी ये पोएम पब्लिश करवाई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलियट्स वेस्ट लैंड. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, डेथ बाई फायर नहीं होकर ये डेथ बाई वाटर है. तो ये क्वेश्चन इसका, ये जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन बेस्ट बी एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स. तो फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स का जो कंसेप्ट है वो हमें एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल वर्क जो है उसमें देखने को मिलता है. द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर, पिस्टलरी नॉवल है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिंग ऑफ जे डी सेलिंगर द कैचर इन द राइज, ये न्यूयॉर्क सिटी में सेट है. नेक्स्ट है, बाखा मुन्नू गंगू आर द कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय. तो कूली और अनटचेबल, इस तरह के जो नॉवल्स हैं मुल्कराज आनंद ने लिखे हैं उनसे ये रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके जो क्रिएटर हैं इन कैरेक्टर्स के वो मुल्कराज आनंद हैं. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डील्स विद द मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी लाइफ. तो डिस्टेंट ड्रम जो है इसका राइट आंसर होगा. अफ्रा बैंड्स ओरोनोको डील्स विद द थीम ऑफ, तो ये स्लेवरी की थीम से रिलेटेड है. टेल ऑफ नोबल अफ्रीकन, स्लेवरी कॉलोनियलिज्म एंड सुरीनाम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स वॉज पब्लिश इन 1749. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ जेन ऑस्टन्स वर्क सटायराइजेज गॉथिक नॉवल बाय कंट्रास्टिंग डे टू डे लाइफ विद द इमेजिन्ड हॉरर ऑफ एन रेडक्लिफ्स वर्क. तो नॉर्थंगर एबे इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गिव्स एन अनयूजुअल पर्सपेक्टिव ऑन द नेपोलियनिक वॉर एंड क्रिटिसाइज्ड हाई सोसाइटी. तो पेंडेनिस जो है इसका राइट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल हैज नॉट बीन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ. तो बेसिक क्वेश्चन अगेन, मिस्टर डेलोवे, मिसेस डेलोवे टू द लाइट हाउस, द वेज वर्जीनिया वुल्फ ने लिखे हैं, और द वेल बिलव्ड इज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ. जेम्स बॉसवेल इज नोन फॉर हिज बायोग्राफी कॉल. तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था. सैमुअल जॉनसन के बायोग्राफर थे ये जेम्स बॉसवेल, उन्होंने लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन के नाम से उनकी बायोग्राफी लिखी थी. द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टॉकलस इज रिटन बाय, तो गर्टूड स्टेन इसका राइट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ विच ऑन विच बेकन डिड नॉट राइट इन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. तो इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है इसमें. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द कोवर्डेल बाइबल. तो पहला ही आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कोवर्डेल बाइबल जो है वो 1535 का एडिशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंड लिव इन मॉरेलिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मॉरेलिटी इज द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ. तो ये है ऑप्शन बी, स्पेक्टेटर एक जर्नल था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअल जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन, बड़े ही स्मार्ट तरीके से इसके ऑप्शंस दिए गए हैं. 1755 इसका राइट आंसर होगा, बट कंफ्यूजन के लिए बहुत ही नज़दीकी जो है वो इसमें मामला रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. तो एन ऑटोबायोग्राफी उनकी ऑटोबायोग्राफी है. ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने लिखा है. डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस बुक है उनकी. साइंस एंड एजुकेशन इज नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन रिटन बाय श्री अरबिंदो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज निराजी चौधरी, इंडियन राइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के नारायण द एमराल्ड रूट इज एन ट्रेवलॉग ऑफ विजिट टू. तो कर्नाटका की विजिट का इसमें वर्णन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ टर्म इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस अपीयर्स इन द ईयर्स. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1974. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था ये भी. एनएनएस की फुल फॉर्म उन्होंने पूछी है, तो नॉन नेटिव स्पीकर. नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ ASTP, आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशनल टीचिंग प्रोजेक्ट हेडेड बाय NS प्रभु इज ऑल्सो नॉन एज, तो बेंगलोर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स रोट अ बुक टाइटल्ड रिटर्न टू फिलोलॉजी एडवोकेटिंग रिटर्न टू फिलोलॉजी. इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हायर अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ इम्प्लिसिट सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे स्पेस आएगा द के बाद,
डिस्टिंक्शन एंड ऑपोजिशंस एंड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन विच मेक्स इट पॉसिबल विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी फॉर अ स्पीकर टू प्रोड्यूस एंड द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर. इसके बाद भी स्पेस है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ये लैंग और पेरोल का क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक. तो ये सारे ही जो ऑप्शन हैं इनमें से सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है, इन विच वर्क डिड नोम चॉम्स्की इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर. तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल रिलेशन बिटवीन एनी सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस एंड अदर वर्ड दैट आर फोनोलॉजिकली सिंटैक्टिकली एंड सिमेंटिकली सिमिलर एंड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट इज नोन एज. तो सिंटैग्मैटिक इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है, एडवर्ड सापिर एंड लियोनार्ड ब्लूमफील्ड डिवाइज्ड अ लिंग्विस्टिक थ्योरी टू एनालाइज नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेजोल्यूशन ऑफ द चार्टर एक्ट क्लियरली स्टेटेड दैट इंग्लैंड वॉज ऑब्लिगेटेड टू प्रमोट इंटरेस्ट एंड हैप्पीनेस ऑफ द नेटिव एंड दैट मेजर्स ऑट टू बी अडॉप्टेड एज मे लीड टू द इंट्रोडक्शन अमंग दैम ऑफ यूजफुल नॉलेज. तो ये टेंथ जो है ये चार्टर एक्ट की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हूम डिड राजा राम मोहन राय राइट अ लेटर ऑन इंग्लिश एजुकेशन दैट आर्ग्यूड अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ संस्कृत स्कूल. तो लॉर्ड एमहर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया 1838 का ये वर्क है. तो सी ई ट्रेवेलिन इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड चार्ल्स ग्रांट एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकमेंडेड दैट डिसेमिनेशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंसेज थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. तो 1792 इसका राइट आंसर हो जाएगा. हु फ्रॉम द फॉलोइंग ओपाइन दैट ऑल द लिटरेचर्स ऑफ ईस्ट आर नॉट वर्थ अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी. ओ माई गॉड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टी बी मैकॉले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक है स्वाति जोशी आर्ग्यूड दैट इंग्लिश कैनॉट बी व्यूड लाइक एनी अदर फॉरन लैंग्वेज. द टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सब्जुगेशन ऑफ द इंडियन मासेज, अ हिस्ट्री ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ नेटिव फॉर्म्स ऑफ कल्चर. तो रीथिंकिंग इंग्लिश में उन्होंने ये आर्ग्यू किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द इंग्लिश यूटिलिटेरियन एंड इंडिया. तो एरिक स्टोक्स का ये वर्क है. हु हैड आइडेंटिफाइड टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नॉन नेटिव इंग्लिश इन इंडिया, द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड द परफॉर्मेंस वैरायटी. तो ऑप्शन ए जो है ब्रज कचरू इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट मेक इंग्लिश एन एसोसिएटेड एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया विदाउट एनी टाइम लिमिट. तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1967. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी के गोगक ऑथर्ड अ बुक ऑन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इन द ईयर 1964 टाइटल्ड इंग्लिश इन इंडिया इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी कैन बी एफिलिएटेड विद कल्चरल स्टडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइथोलॉजीज बहुत ही फेमस वर्क है रोला बर्थिस का, 1957 में पब्लिश हुआ था. कैन बी कंसीडर्ड प्रीकर्सर टू विच स्कूल ऑफ थियरी. तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिए ये प्रीकर्सर का काम किया था इसने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग्स. ये हमें दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना था. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट का डी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्विन हैरिस इन द राइज एंथ्रोपोलॉजी कॉइन द टर्म. तो कल्चरल मटीरियलिज्म जो टर्म है उन्होंने कॉइन की थी. नेक्स्ट है, रूट ऑफ अमेरिकन कल्चरल स्टडी कैन बी फाउंड इन. तो कल्चरल एथनोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडी CCCS that played a critical role in developing the field of cultural studies was founded at the University of Birmingham. Next question, Richard Hogarth, the uses of literacy, once of the seminal work of cultural study in the England was published in the year. Exactly 1957 mein publish hua tha, but nearest option hume choose karna tha, toh 1956 is the correct answer. Stephen Greenblatt connects his study of self-fashioning to Dash, showing how subjectivization achieved through ideological and narrative patterning of the self is oriented towards positioning oneself in relation to power. तो इस क्वेश्चन के आंसर भी दो लगते हैं, पावर और सोसाइटी. पर मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पावर होना चाहिए, बाकी हायर अथॉरिटीज पर डिपेंड करता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर का, अ कल्चरल स्टडीज रीडर हिस्ट्री थियरी प्रैक्टिस 2005 एडिटेड बाय एम जेसिका मंस एंड गीता राजन ट्रेसेस कल्चरल स्टडीज एज फार एज बैक टू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल शेक्सपियर न्यू एसे इन कल्चरल मटीरियलिज्म 1985 इज रिटन बाय द जोनाथन डॉलीमोर एंड एलन सिनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। बहुत आसान क्वेश्चन था, वर्जीनिया वुल्फ, ए एम फ्रॉस्टर्स और लियोटन स्टैट्यू जो है वो ब्लूम्सबेरी ग्रुप के मेंबर्स थे और टीएस एलियट नहीं थे। आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग इन पेयर कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज हेरोइक कपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्क। बहुत ही आसान था इस क्वेश्चन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना, क्योंकि इन्होंने पूरे बहुत एक लंबे गैप के बाद उन्होंने ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। ऐसा नहीं है कि इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था, काफ़ी डिफरेंस था, तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कई कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान रहा होगा। तो इसमें जो है लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पॉइंट पहले आ जाएगा, उसके बाद बायोग्राफिया लिटरेरिया लिटरेरिया, और उसके बाद है एसे इन क्रिटिसिज्म, और लास्ट में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो आई ए रिचर्ड ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो एक्सपाउंडेड इन हिज थियरी ऑफ फॉर्म्स इन हिज वर्क्स। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो मैंने प्लेटो पे वीडियो डाला था उसके अंदर से ये क्वेश्चन है, वहाँ पे ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो फेडो एंड रिपब्लिक दोनों में हमें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग कैन बी क्रेडिटेड विद द राइटिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ रिटोरिक इन 1936। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आई ए रिचर्ड। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं भी हो रहे हैं या कम सही हो रहे हैं तो चिंता करने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मेरे चैनल पर आइए, उसे यहाँ पर जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं आप उन्हें देखिए, और मैं डेली बेसिस पे और भी वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर आऊँगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बुक्स भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी रेकमेंड करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।